मुनि के वचन समझे जिय भाई। मुनि के वचन सत्य जरूर होंगे, कभी गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती, जरूर आएंगे राम। सर सिजलो चन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर रोवाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लेहि चरण पखारे, उन सुंदर आसन बैठा हमारे। कंद मूल फल सुरसियति, ये राम कहियान, प्रेम सहित प्रभु खाय हो बार बार बखान। पानी जोरी आगे धरती से ले आकाश तलक कुछ है इसके भीतर है, तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भोजन भी देता इतना आहार नहीं, तुम खाते नहीं चुप क्यों हो, क्या बात है लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। अरे खुल गए भाग्य हमारे प्रभु जी आपो पधारे प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, क्योंकि मैं अधम जाति की हूँ, उसमें भी अधम से अधम हूँ प्रभु। अधमते अधमो अधमो अति नारी, इनमें मैं मति मन दे गवारी। हे प्रभु जी, मैं अधम से अधम, अधम से और अधम, उसमें भी अधम, और मेरी मत बड़ी मूढ़ है, मैं पूरी तरह से गवार हूँ, मैं किस तरह से आपकी प्रार्थना करूँ। रघुपति सुन बामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। हे बामिनी, प्रभारी बात सुनो, हम तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानते हैं। क्या प्रभु, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुड़ चतुराई। जाति पाति कुल धर्म और धन होने से भक्तहीन नर सोहत कैसे, बिनु जलवारिद देखी जैसे। इन सभी गुणों के होने में लेकिन जिस व्यक्ति में भक्ति ना हो वो ऐसा होता है जैसे बिना जल के नहे। क्या प्रभु, नवजात भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धरो मन माई। हे बामी, अब मैं तुमसे नवजात भक्ति कहता हूँ, जिसे तुम सावधान होकर बैठ के सुनो। जाओ प्रभु, प्रथम भक्ति चंतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भामिनी प्रभु, हमारी प्रथम भक्ति है कि संतों के साथ सत्संग करें, और दूसरी हमारे सत्संगों को सुनने में प्रीति रखें। जाओ प्रभु, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। अपने गुरु की चरणों की सेवा करना
हमारी तीसरी भक्ति है और हमारी चौथी भक्ति है बिना किसी कपट से हमारे गुणों का गान करना। जय हो प्रभु। मन से जाप मम धर विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। हे भामिनी प्रभु, हमारी पांचवी भक्ति है कि बिल्कुल दृढ़ विश्वास होकर हमारे मंत्रों का जाप करना। जय हो प्रभु। बारंबार जय हो आपकी। षट दमोशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमारी छठी भक्ति है कि बिल्कुल विनम्र स्वभाव से सज्जनों की संगति करना। जाओ प्रभु आपकी बारंबार जाओ। सब कम सब मोहे मैं जग देके मोटे संत अधिक कर लेके। हमारी सातवीं भक्ति है कि इस संसार को हम में देखना और हमसे भी ज्यादा संतों का सम्मान करना। अष्टम यथा संतोषा सपने नहीं देते पर दोषा। हे मामी हमारी आठवीं भक्ति है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहो, कभी सपने में भी किसी पराये दोष को तरफ ना देखो। नवम सरल सब सन चल हीना मम भरोसे ये हर्ष न दीना। और हे भामिनी वो हमारी नौवीं भक्ति है के बिल्कुल सरल स्वभाव से निष्कपट होकर हमारे भजनों का गुणगान करना। जाओ नवमय दिन के को होई नारी पुरुष सचराचर कोई। और हे मामी वो हमने जो आपसे नौ भक्ति कही है उनमें से यदि किसी भी स्त्री और पुरुष में कोई एक भक्ति भी होती है सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो वह मनुष्य इस भवसागर से तर जाता है। जाओ प्रभु योगी कंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी प्रभु जो अवस्था बड़े बड़े तपस्वियों और मुनियों के लिए दुर्लभ होती है वह आज तुम्हारे लिए बहुत ही सुलभ हो गई है। जनक सुता कर सुनी कहु बामिनी जानी कछु जो करी वरदामिनी। हे बामिनी प्रभु हम दोनों भाई राम लक्ष्मण जानकी के साथ इस वन में आए थे किंतु यहाँ एक राक्षस द्वारा उनका हरण हो गया। हे बामिनी यदि तुम जनक सुता के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बतलाओ। बताती हूँ। पंपा चली जाओ रघुराई मुनिवर विपुल रही जय छाई। हे प्रभु आप पंपा सुर यहाँ के पास नहीं है वहाँ पर जाइए वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। ऋषि मतंग महिमा गुण भारी जीव चराचर रहते सुखारी। हमारे मतंग ऋषि की बहुत बड़ा उनमें गुण है उनके प्रताप से आपको सब कुछ पता लगेगा। करऊ सफल सम सब कर जाई तह दोई सुग्रीव मिताई। आप इन सभी के भक्तों के दर्शन देकर उनको धन्य कीजिए और वहाँ का सुग्रीव है सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और आपका कार्य सभी सफल होगा। सो सब काई देव रघुबीरा जानत हूँ पूछो मत धीरा। मुझे हंसी आती है आप सब कुछ जानते हुए और इस भीड़ नीचे आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई प्रेम
सहित सब कथा सुनाई। चले राम त्यागा वन सो अतुलित बल नर के हरि तो। हे हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष उधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, हे हनुमान जी महाराज मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि यहाँ ना आ सकता है पर जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत, संभव है उसके गुप्त दूत यो मेरा भेद लगाते हो छल से पल से और बेकर से वध करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से तुम सब पता ठिकाना लेना तो, यदि फिर संदेह सही हो मेरा तो मुझे इशारा देना तो। जाओ हनुमान जी मेरा पता लगा कर आओ। ठीक है महाराज, आप निश्चित होकर के यहाँ विराजिए, मैं अभी जाता हूँ और पता करके आपको भी बताता हूँ। ठीक है छवि के बाद श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिराओ बन वीरा। हे सांवले शरीर वाले, हे गौर अंग वाले, आप कौन हैं जो छत्रिय रूप धारण करके इस वन में विचरण कर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन है तू बन बिठिरहु स्वामी। इस कठोर भूमि पर कोमल पैरों से चलने वाले आप इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज दुसह बनिया तप बाता। आपका स्वभाव बड़ी सोमल कोमल है, फिर भी आप कोमल है कोमल अंग वाले हैं, आप फिर भी इतनी कठिन वायु को और कठिन ताप को सह रहे हैं। की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। हे प्रभु, क्या आप तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई दो है या स्वयं नर नारायण का रूप धरे है? जग कारण कारण बबई वचन धरनी भार ये तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजे अवतार। या आप जगत के मूल हैं, या आप स्वयं भगवान हैं, या आप इस धरती पर दुष्टों का संहार करके इस धरती का भार उतारने वाले स्वयं नारायण अवतार लेकर के आए हैं? अजी बोले रघुवंश कुमारा विधि कर लिखा कुमे तन्हारा। हे विप्रदेव, विधि का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। कौशले दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बने आए। हम कौशलाधीश राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा मानकर ही इस वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण संग नार सुकुमार सुहाई। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं और हमारे साथ में एक सुंदर स्त्री भी थी। क्या आप ही स्वयं राम हैं? आप ही लक्ष्मण जी हैं? जी मित्रदेव, जय श्री राम। यहाँ दीन से चर वैदे विप्रति रही हमको जतते।
और हे विप्रदेव, यहाँ हमारी वैदेही का एक राक्षस द्वारा हरण हो गया। अब हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहे वो विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, हमने तो अपनी चरित्र बता दिया, किंतु अब आप अपनी कथा बतलाइए। हे प्रभु रामा रामा प्रभु श्री राम है, जय श्री राम। रामा प्रभु पहचान परे उदय चरना रामा, रामा सोच लो जाए नहीं बरना रामा, रामा बोल कीर्तन मुख आव न वचना रामा, रामा देखत रुचन वेश की रचना रामा, रामा उन धीरज दरिया सती पीना रामा, रामा हर से जय ना सही जीना रामा। मोर न्याव में पूछा साई, तुम कस पूछे नर की नाई। हे प्रभु, मैंने पूछा, इसका तो न्याय बनता है, मेरा पूछना बनता है, लेकिन आप मनुष्य की भांति पूछते हैं, ये कहाँ का न्याय है भगवान। तब माया वश फिरो बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं माया के वशीभूत हो गया था, इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। हे प्रभु, मुझे मेरा मुझे आप मेरे अपराध को क्षमा करिए भगवान। एक मन में मोहवश किस ही गए अज्ञान, पुने प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान। हे मायाधीश, एक तो मैं मोह के अधीन हूँ और अज्ञान हूँ, कुटिल हूँ, मंद बुद्धि हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे क्यों बिसार दिया, मैं तो आपका अनन्य दास हूँ। अस कही चरण परे हुआ खुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति परचाई। ओ रामा तब रघुपति निज लोचन जद सीज जुड़ावा रामा, रामा सुन कपि दिए मानस जनी होना रामा, दे मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना रामा, रामा नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। हे प्रभु, इस पर्वत पर हम सबका राजा सुग्रीव रहता है, हे प्रभु उसको आप अपना दास समझिए। देहि तन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते अभय करी जय। हे प्रभु, आप उनसे मित्रता कीजिए और दीन जान करके उसे अभयदान दीजिए। सो सीता करे खोज कराई, जैते मरकट कोट पठाई। हे भगवान, वो सीता की खोज अवश्य कराएंगे और करोड़ों बानरों को चारों तरफ भेज करके उनका पता लगाएंगे। रामा यह विधि सकल कथा समझाई रामा, रामा लिए दो जन पीठ चढ़ाई। चलिए प्रभु, मैं आपको रामा जब सो ग्रीव राम